Hello everyone. Today we are going to solve an important problem based on one D array. In the last lecture, we learned about one D array. So if you haven't watched that video, first go watch that video and then come back to. It. Okay. So uh, let us see the important question. One important question. This was basically asked in ICSE 2015 and 2019. So basically. Uh, these uh, I have framed two question into one question and this is a question. So ये question में क्या बताया जा रहा है कि आपको basically आप ऐसे समझिए कि आपके class में 50 students हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको uh, n number of students के details को लेना है जैसे कि उसके roll number, name और marks of three subjects. So यहाँ बताया जा रहा है कि आप रॉल नंबर को लीजिए नेम को लीजिए मार्क्स ऑफ थ्री सब्जेक्ट को लीजिए और ये लेने के बाद जो क्वेश्चन नंबर वन बताया जा रहा है, आपको रिमार्क करना है, हर का रिमार्क क्या है? अगर किसी स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स एबव 85, 85 एंड 100 के बीच में है इंक्लूसिव बोथ तो उसे हमें रिमार्क क्या देना है एक्सीलेंट सो तो ऑन अगर किसी का मार्क्स फोर्टी से नीचे है तो हम उसे क्या बोलेंगे ओके। सो okay? so, ये आपका क्वेश्चन uh, था। क्वेश्चन टू में ये बताया जा रहा है कि आपको वैसे स्टूडेंट्स का रॉल नंबर बताना है जिनका एवरेज मार्क्स 85 से एवव है ओके जिनका एवरेज मार्क्स 85 से एवव है और क्वेश्चन नंबर टू में बताया जा रहा है वैसे स्टूडेंट्स का मार्क्स बताना है जिनका एवरेज फाइव से नीचे है, ठीक आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छे समझ लिया होगा चलिए हम कोड की ओर चलते हैं और साथ में कोडिंग करते हैं और फिर मैं बीच में आपको यहाँ so, आप पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं जो क्वेश्चन आप देख रहे थे तो इसमें सबसे पहले काम क्या करते हैं कि हम लोग इनपुट्स लेते हैं ऑनलाइन आईडी कर रहा हूं आप लोग अपने जावा के आईडी में कर सकते हैं ऑफलाइन ठीक है ब्लू जे में और या तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं तो देखिए मैंने क्या किया है कि सबसे पहले बताया क्या जा रहा है हमें इनपुट लेना है इनपुट क्या लेना है सबसे पहला हमें इनपुट जो लेना है वो रोल नंबर तो ये मैंने स्टूडेंट वन की रोल नंबर दे दी ठीक है फिर मैंने स्टूडेंट वन का नेम यहाँ पे दे दिया ठीक है और फिर स्टूडेंट वन के थ्री सब्जेक्ट्स के मार्क्स ओके तो आपको दिख रहे हैं कि रोल नंबर वन के नेम के बाद थ्री सब्जेक्ट के मार्क्स मार्ग इन्हें ये स्टूडेंट वन का डेटा हुआ इसी तरह आपको बताया जा रहा है कि एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा लेना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा लेना है तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि आप जो इनपुट दे रहे हैं वो कितने स्टूडेंट्स का डेटा दे रहे हैं तो मैं जैसे कि यहाँ पे तीन स्टूडेंट्स का दिया हूँ वन स्टूडेंट सिमिलरली टू स्टूडेंट एंड सिमिलरली स्टार्टिंग विद रोल नंबर थ्री

तो फाइव सिंगल डायमेंशन एरे में आपको क्या इनपुट लेना है एक एरे आपका होगा रोल नंबर का जिसमें सारे स्टूडेंट्स का रोल नंबर होंगे दूसरा एरे होगा जिसमें कि नेम को स्टोर करेंगे तीसरा एरे होगा मार्क्स मार्क्स ऑफ ऑफ सब्जेक्ट सब्जेक्ट आपका दूसरे एरे में फिर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट थ्री आपके दूसरे एरे में ठीक है सिमिलरली ये सारे डेटा को हमें फिल करना है अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूं आपको तो मैं यहाँ पे आपको दिखलाता हूं कि मान के चलिए आपको बताया जा रहा है

हम लोग कुछ भी डेटा रखे वो कहां से स्टार्ट होगा स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स जीरो अब देखिए ये आपका एक एरे का हम लोगों ने यूज किया सिमिलरली हम दूसरा आरे को यूज करेंगे और इस एरे में नेम को रखेंगे जैसे यहाँ पे आप क्या स्टोर करेंगे आकाश जैसे आपको इनपुट दिख रहा होगा यहाँ पे उसके बाद रोल नंबर टू पे हम एबीसी और ऑन ठीक है ये मेरा कौन सा एरे हो गया ये आपका मान के चलिए नेम का आरे हो गया। सिमिलरली आपको और तीन आरे बनाना है तीन आरे में आपको इसमें क्या स्टोर करना है मान के चलिए मैथ्स का मार्क्स स्टोर करेंगे। इसी, इसी तरह इस आप इसमें स्टोर करेंगे और एक अगर आप एरे बनाते हैं मान के चलिए इसमें आप केमिस्ट्री के मार्क्स को स्टोर करेंगे ठीक है तो आपने क्या किया पहले आप पांच एरे बनाएंगे फिर पांच एरे आपका डिपेंड करेगा कि आपने कितने एन का वैल्यू इनपुट दिया है जैसे यहाँ हम लोगों ने एन का वैल्यू थ्री दिया है तो बेस्ड ऑन दैट हमें एरे का साइज को क्रिएट करना है ठीक है तो अब आगे चलते हैं अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे हम लोग एक एरे बनाएंगे जिसमें कि हम लोग एवरेज को कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट वन का क्या एवरेज था स्टूडेंट टू का क्या एवरेज था स्टूडेंट थ्री का क्या एवरेज था स्टूडेंट फोर का क्या एवरेज था वो हम एवरेज एरे में रखेंगे ठीक है चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं ओके okay? मैं ऐसे इरेज कर देता हूं राइट right. अब इसे स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना होगा सबसे पहले इनपुट लेना होगा तो आप जान रहे हैं जावा में इनपुट लेने के लिए हमें क्या यूज करना रहता है स्कैनर आप बफर रीडर भी यूज कर सकते हैं आप स्कैनर भी यूज कर सकते हैं ठीक है थेके? तो हम लोग यहाँ यहाँ यूज कर रहे हैं स्कैनर को तो सबसे पहले स्कैनर को यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इंपोर्ट करना पड़ेगा इंपोर्ट कहाँ से करना पड़ेगा यूटिल पैकेज से आप यहाँ स्कैनर के जगह पे स्टार भी कर सकते हैं ठीक है लेकिन दिस इज नॉट एडवाइज ठीक है आप इसे ना यूज करें तो बेटर है क्योंकि इससे क्या होगा कि आप सारे इस यूटिल क्लास में जितने भी पैकेज होंगे इस यूटिल पैकेज के अंदर जितने भी क्लास होंगे आप सारे उसे इंपोर्ट कर ले रहे हैं ठीक है दैट इज नॉट गुड सो आपको बेसिकली स्कैनर को इंपोर्ट करना है क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ स्कैनर को यूज करना है ठीक है अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले स्कैनर को ऑब्जेक्ट को सेट करना पड़ेगा ऑलराइट right? तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले स्कैनर sc equals to new scanner ऑलराइट तो सबसे पहले हम लोगों ने स्कैनर की ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया इसमें क्या पास करना पड़ेगा सिस्टम डॉट इन सिस्टम डॉट इन ऑल राइट आपने यहाँ पे सिस्टम डॉट इन पास कर दिया अब हमारे पास स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है अब सबसे पहले हमें काम क्या करना है सबसे पहले हमें इन in को इनपुट लेना है कि आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं तो मैंने क्या किया एक आई एन टी एन नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया ठीक है और इसमें हमने क्या इनपुट ले लिया एस सी डॉट Next int, okay sc dot next int. अब समझिए अब हमारे पास क्या आ गया एक स्टूडेंट्स का आ, आ, कितने आपके क्लास में स्टूडेंट है वो डेटा मेरे पास आ गया है ठीक है अगर मैं यहां पे प्रिंट करूं प्रिंट करूं आउटपुट वैल्यू ऑफ एन अगर मैं वैल्यू ऑफ एन को प्रिंट करूं, अगर फिर रन करता हूं इसे तो आप देखिए ये आपको थ्री आउटपुट देगा क्योंकि हम लोगों ने इनपुट थ्री दिया था और आउटपुट क्या आ रहा है आपको थ्री मिल रहा है ओके okay? क्लियर अब देखिए हमें क्या करना है इसके बाद हमें एरे क्रिएट करना है कितने एरे क्रिएट करने हैं? पांच एरे क्रिएट करना है तो हम लोग को फटाफट क्या करना होगा फाइव एरे क्रिएट करना है

हम लोग अगर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं या हम लोग एरे को क्रिएट करते हैं तो न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं न्यू कीवर्ड बेसिकली क्या है डायनेमिक मेमोरी एलोकेटर है ठीक है जो रन टाइम में इसे मेमोरी एलोकेट करके देगा इस एरे को आ, इस एरे को ओके अब चलिए हम लोग क्या किए int रोल नंबर इज इक्वल्स टू न्यू int अब इसमें हमें क्या देना पड़ता है साइज देना पड़ता है तो अभी जैसे हम लोगों ने इनपुट लिया था n तो एन बताएगा कि एरे का साइज क्या होगा तो ये अभी तक हम लोगों ने एक एरे को क्रिएट किया है सिमिलरली मैं इसे कॉपी पेस्ट करता हूं अब देखिए दूसरा जो डिटेल रहेगा दूसरा डिटेल वो हम उसमें क्या रखेंगे नेम को रखेंगे ऑलराइट नेम अब नेम किस टाइप का डेटा टाइप होगा इसमें तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स रहेंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स के लिए ये स्ट्रिंग टाइप का होगा ठीक है स्ट्रिंग एरे होगा अब स्ट्रिंग एरेिंग होगा तो ये हमें कैसे क्रिएट करना है स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग ठीक है मैंने ये लास्ट लेक्चर में बता दिया है कैसे आप वन डी एरे क्रिएट करते हैं ऑलराइट right. अब दूसरा हमें क्या इनपुट लेना है अ सब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट्स के मार्क्स तो सब्जेक्ट्स के मार्क्स डेसिमल पॉइंट में भी हो सकते हैं फॉर सेफर साइड विल टेक डबल अब यहां पे फ्लोट भी ले सकते हैं नो no इशू हम यहां पे डबल ले रहे हैं ठीक है डबल और ये मार्क्स मान के चलिए मैथ्स का मार्क्स है ठीक है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे डबल एम इज इक्व टू न्यू डबल सिमिलरली ये हमें सेकेंड सब्जेक्ट्स तो के मार्क्स लेने हैं तो सेकेंड सब्जेक्ट्स के मार्क्स के लिए ये भी आपका क्या होगा डबल कैटेगरी का होगा तो मैं इसे पेस्ट uh, कर देता हूँ यहाँ पे और फिर मैं यहाँ सिर्फ चेंज कर देता हूँ फिजिक्स right? और सिमिलरली ये और एक आपका क्या होगा केमिस्ट्री

Average एक जो क्रिएट कर रहे हैं, जो भी भी हम हम लोग करेंगे सारे students के average को, वो भी क्या होगा? Double होगा। All right. ये एक extra हो गया, मैं इसे कर कर देता हूं. Okay? तो अभी तक लोगों ने पांच लिए जो क्वेश्चन में बताया गया था कि आपको पांच आरे क्रिएट करना है उसके अलावा हम लोगों ने क्या किया एक एवरेज के एरे को क्रिएट किया है जो कि अभी हम लोग उसमें वैल्यू को कैलकुलेट uh, करके इंसर्ट करेंगे okay? चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था हमें क्या करना था डिस्प्ले द रिमार्क एवरेज मार्क्स एज गिवन बिलो इन द टेबल तो हमें सारे स्टूडेंट्स का हमें सारे स्टूडेंट्स का ये बताना है रिमार्क कि स्टूडेंट वन का क्या रिमार्क था स्टूडेंट टू का क्या रिमार्क था तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इस एरे जो अभी हम लोग पांच एरे बनाए हैं वो पांच एरे में डेटा को इनपुट लेना है ऑलराइट चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इनपुट लेंगे तो अभी हम लोग करते हैं फॉर आई एन टी आई इज इक्व टू जीरो तो हमें इनपुट कैसे लेना है लूप से ही इनपुट लेना है हमें लूप क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये सेट ऑफ डेटा अभी कर्सर कहाँ था यहाँ क्योंकि हम लोगों ने क्या किया सिर्फ एक नंबर को रीड किया अभी कर्सर यहाँ पे है अब हम क्या करेंगे सबसे पहला काम इस एक स्टूडेंट के सेट ऑफ रिकॉर्ड को रीड करेंगे सिमिलरली

एन माइनस वन क्या था अभी हम लोगों ने इसे थ्री दिया तो अभी इनपुट हम लोग का कहां तक जाएगा जीरो वन टू ओके तो अब ये क्या हो जाएगा आई प्लस प्लस अब देखिए अब हमें सबसे पहला डिटेल जो मिल रहा है आप यहाँ इनपुट विंडो को देखिए सबसे पहला डिटेल जो है वो रॉल नंबर है ठीक है तो हम क्या बोलेंगे अब हम क्या बोलेंगे रोल uh, रोल और ये कौन सा डिटेल कौन से स्टूडेंट्स uh, का डिटेल है

हमें क्या रीड करना है स्ट्रिंग को रीड करना है तो देखिए ये आप याद रखिएगा जब भी आप ऑनलाइन आईडी में कर रहे हो इंटरेक्टिव मोड में जब इनपुट आप नहीं ले रहे हो आप इस तरह इनपुट पहले से दे रहे हो प्रोग्राम रन करने से पहले अगर आप इनपुट दे रहे हो तो एक इश्यू क्या होता है स्कैनर के साथ कि अगर जब भी हमें आप यहाँ ध्यान से देखिए अगर हमें स्ट्रिंग के बाद नंबर के बाद अगर हमें अगर हमें नंबर के बाद स्ट्रिंग को रीड करना है तो अगर हम डायरेक्टली अब ऐसे कर दिए अब हमें नेम में इनपुट लेना था नेम ऑफ आई इज इक्वल्स टू एस सी डॉट स्ट्रिंग हम कैसे इनपुट ले सकते हैं नेक्स्ट लाइन से एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन ठीक है ये अगर हम करते हैं ये अगर हम करते हैं तो अभी इशू क्या होगा कि आपके आपको ये डेटा नहीं मिलेगा ये स्कैनर का इश्यू है तो इसका इश्यू ये है रीजन ये है कि जब भी हम लोग यहाँ नंबर को रीड करते हैं इसके बाद अगर हम लोग कोई भी स्ट्रिंग को अगर इनपुट ले रहे हैं तो इशू क्या होता है कि यहाँ पे जो हम लोग एंटर कर रहे हैं वो डिनोट होता है स्लैश एन ऐसे जो आपको दिख नहीं रहा है स्लैश एन जो आपको दिख नहीं रहा है लेकिन यहाँ हम लोग जैसे एंटर प्रेस करते हैं तो ये यहाँ पे ये होता है तो ये बेसिकली करता क्या है जब भी हम लोग एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी से मांगते हैं तो क्या होता है कि ये next line, n को ये को आपको return कर देता है, ठीक है क्या करता है स्लैश एन को आपको रिटर्न कर देता है तो यहाँ पे हमें स्लैश एन तो नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए आ, नेम चाहिए तो इसके लिए बेसिकली क्या करना पड़ता है आपको एक एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन आपको कॉल करना पड़ेगा तो होगा क्या जो स्लैशन जो यहाँ आपको नहीं दिख रहा था ये आपको नहीं दिख रहा था राइट right. तो ये कहा आ जाएगा ये आपका इस एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा क्लियर ठीक है ये आपको याद रखना है यहाँ पे ये स्लेशन होता है बैक स्लैशन नेक्स्ट लाइन के लिए ठीक है तो आप देखिए यहाँ पे अभी हम लोगों को जो बैक्सलेस एन बैक्सलेस एन नहीं दिख रहा था वो किसके पास चला गया इसके पास चला गया नहीं अगर आप ये नहीं करेंगे तो होगा क्या आप सोच रहे होंगे मेरे पास नेम में आकाश आ आ गया लेकिन actually क्या आ गया लेकिन एक्चुअली क्या जो आपको नहीं दिख रहा था तो आपको बस याद ये रखना है कि जब भी आप इंटीजर या कोई भी नंबर के बाद अगर आप रीड कर रहे हैं स्ट्रिंग को तो आपको ऐसे पहले एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन करना है इसमें क्या आ जाएगा का वैल्यू आ आ आ जाएगा, n आ जाएगा, आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन उसके बाद आप उस स्ट्रिंग को रीड करें ओके? चलिए, अब हम लोगों ने क्या कर लिया स्ट्रिंग को रीड कर लिया अब स्ट्रिंग को रीड करने के बाद हमें फिर से कौन सा नंबर को रीड करना नंबर को रीड करना दैट इज मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट जैसे कि मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट क्या है या मार्क्स ऑफ मैथ्स ओके अब देखिए अब ये इशू नहीं होगा अब यहाँ पे इश्यू नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रिंग के बाद नंबर को रीड कर रहे हैं तो स्ट्रिंग के बाद अगर नंबर को रीड करते तो कोई इशू नहीं है लेकिन नंबर के बाद अगर स्ट्रिंग को रीड करते तो ये इश्यू है तो आप ये याद रखिएगा अब हमें क्या रीड करना है मार्क्स ऑफ मैथ्स तो मार्क्स ऑफ मैथ्स आई एथ स्टूडेंट ओके आई एथ स्टूडेंट का डेटा अभी हम लोग रीड कर रहे हैं दैट इज द फर्स्ट स्टूडेंट के डेटा को रीड कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे एस सी डॉट नेक्स्ट डबल ऑलराइट एससी डॉट नेक्स्ट डबल फिर हमें क्या करना है हमें सेकेंड सब्जेक्ट के मार्क्स सेकेंड सब्जेक्ट दैट इज फिजिक्स फिजिक्स ऑफ स्टूडेंट इज टू राइट ये हम लोगों ने क्या किया नेक्स्ट फिजिक्स uh, के मार्क्स भी स्टोर कर लिया सिमिलरली अभी हम लोग क्या करेंगे केमिस्ट्री के मार्क्स को भी इंपोर्ट कर लेते हैं ठीक है अब अभी तक हम लोगों ने क्या किया हम लोगों ने अभी मैथ्स तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स इम्पोर्ट कर लिए नेम को इंपोर्ट कर लिए और फिर क्या किए हम लोगों ने रोल नंबर को इम्पोर्ट कर लिए तो जितने भी रिक्वायर्ड डेटा थे हम लोगों ने एरे में इम्पोर्ट कर लिए ठीक है अब हम लोगों को करना क्या है अब हमें एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या बोलेंगे एवरेज ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है अब एवरेज ऑफ आई आई पोजीशन मतलब कि आईएथ स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स क्या होंगे एवरेज स्टूडेंट एवरेज मार्क्स क्या होंगे सम ऑफ द मार्क्स मार्क्स ऑफ थ्री सब्जेक्ट कैसे मिलेगा तो so, आप बोलेंगे तो okay? so, ये तीनों के मार्क्स को हमें एड कर देना है और हमें क्या करना है डिवाइड बाई थ्री कर देना है डिवाइड बाई थ्री अब देखिए अब आप लोगों ने क्या कर लिया अभी तक हम लोग ने ये एवरेज कैलकुलेट कर लिया और एवरेज को हम लोगों ने स्टोर कर दिया है एवरेज आर क्लियर अब हम लोग क्या करते हैं अब हम लोग इस एवरेज जो कैलकुलेट कर लिए बेस्ड ऑन दिस अब हम लोग क्या करेंगे हमें आउटपुट देना है उनके ग्रेड मार्क्स को ओके okay? तो अब हम यहां चेक करेंगे इफ इफ एवरेज ऑफ आई अब यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना है ये एवरेज मार्क्स जो आ रहा है ठीक है ये एवरेज मार्क्स जो आ रहा है वो किस पे लाई कर रहा है कहाँ पे लाई कर रहा है ठीक है तो अब देखिए तो हम क्या करेंगे If average marks is greater than, सबसे पहला क्या है आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू एट्टी फाइव का कंसेप्ट दिया हुआ था अगर आपको चेक करना है क्या एवरेज मार्क्स मेरा ग्रेटर देन एट्टी फाइव और इक्वल टू एट्टी फाइव है अगर ये कंडीशन है इसके साथ साथ वो स होगा कि लेस भी होना चाहिए हंड्रेड से तो आप यहाँ लगा भी सकते हैं और आप आप क्या लगा सकते हैं अगर ये नहीं भी लगाते तो एवरेज लेस होगा तो आप वो कंडीशन सेटिस्फाई कर देंगे तब भी फॉर सेफर साइड आप यहाँ पे लगा दीजिए और ये आपका फर्स्ट कंडीशन हो गया ये आपका फर्स्ट कंडीशन क्या हो गया अगर ये कंडीशन में स्टूडेंट लाई करता है तो हमें क्या बताना है Okay? तो उटपुट को, फ्रेम करते, हैं। को यहाँ फ्रेम करते हैं और यहाँ पे क्या लिखेंगे अब हम यहाँ पे करते हैं। आ, ये, ये जो स्टूडेंट है मैं स्टूडेंट मैं का रॉल नंबर प्रिंट कर देता हूँ रॉल नंबर क्या है रॉल नंबर विल बी गिवन बाई रॉल ऑफ आई रॉल ऑफ आई राइट प्लस हम लोग क्या करते हैं कुछ स्पेस देखे फिर प्लस करके हम उसके ग्रेड को लिखते हैं अगर ये कंडीशन है तो उसकी ग्रेड क्या हो जाएंगे उसकी ग्रेड हो जाएंगे एक्सीलेंट पाल रहे अब देख सकते हैं ऊपर हमें क्या प्रिंट करना था अगर ये एवरेज uh, 85 टू 100 इंक्लूसिव 85 इंक्लूडिंग 85 एंड इंक्लूडिंग 100 अगर ये दोनों के बीच में या दोनों इंक्लूसिव है तो हमें क्या प्रिंट करना था एक्सीलेंट सिमिलरली अगर यह मेरा कंडीशन हो अब uh, 75 टू 84 का कंडीशन हो तो हमें क्या प्रिंट करना है डिस्टिंक्शन तो आप ऐसे लगा सकते हैं पहले आपने इफ कंडीशन लगाया फिर इफ कंडीशन के बाद आप यहां देख सकते हैं कि ये जो हमारा कंडीशन यहां पे अगर सेटिस्फाई होगा तो इस इफ कंडीशन के इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा ठीक है अगर ये नहीं होता है सेटिस्फाई तो हम क्या करेंगे एल्स वाले पार्ट में जाएगा आप लोगों ने नाइंथ क्लास में नेस्टेड इफ एल सी सीखा होगा ठीक है अभी उसी का हम लोग को यूज करना है अगर ये ये नहीं है कंडीशन तो कंडीशन क्या होगा दूसरा कंडीशन होगा दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है दूसरा कंडीशन हो सकता है कंडीशन uh, एक बार हम लोग देख लेते हैं कंडीशन uh, uh, okay? तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू सेवेंटी फाइव एंड लेस इक्वल टू 84 ठीक है अगर ये कंडीशन है तो हमें रिमार्क क्या देना है डिस्टिंक्शन ओके okay? मैं रिमार्क को कॉपी करता हूं और यहाँ पेस्ट कर देता हूं सिमिलरली अगर ये भी कंडीशन ना हो अगर वो स्टूडेंट्स के मार्क्स एवरेज मार्क्स यहाँ भी लाइन नहीं कर रहे हो तो वो थर्ड कंडीशन में जाएगा कंट्रोल विल गो टू द थर्ड कंडीशन दैट इज थर्ड कंडीशन इज 60 टू 74 ओके तो थर्ड कंडीशन विल बी 60 274, right. the remark? Remark शुड बी फर्स्ट क्लास तो यहाँ मैं रिमार्क को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ रिमार्क टेस्ट कर oh, uh, it वेरी क्लियर ओके अगर आपको अभी भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कहाँ पे आपको issue हो रहा है मैं उसे आपको बता दूंगा कमेंट सेक्शन में Okay. तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है अभी हम लोगों ने क्या लिखा फर्स्ट क्लास यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया अभी तक हम लोग ने पी कंडीशन को लिख दिया है अब आपका क्या हो सकता है फोर्थ कंडीशन अगर ये भी ना हो ये भी ना हो तो हम किस पे जाएंगे फोर्थ कंडीशन फोर्थ कंडीशन कहां से है इंक्लूजिंग फोर्टी टू फिफ्टी नाइन ओके तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फोर्टी टू फिफ्टी नाइन राइट ओके ये आपने कर दिया और इसके लिए क्या होना चाहिए आपका यहाँ पे होना चाहिए रिमार्क मैं देखता हूँ क्या पास और ये आपका पास और आपका लास्ट कंडीशन क्या है अगर ये इसमें से कुछ भी नहीं हो अगर इसमें से कुछ भी नहीं हो तो एल्स सिर्फ लिखने का जरूरत नहीं है एल्स पार्ट में अगर हम लोग यहाँ सिर्फ क्या लिखेंगे एल्स यहाँ पे सिर्फ क्या लिख दें एल्स और राइट और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे फेल. या कुआ speak. All right. तो हम लोगों ने सारे कंडीशन को कवर अप कर लिया हम लोगों ने अभी सारे कंडीशन को कवर अप किया है कि किस स्टूडेंट का क्या रिमार्क आया है All right. अभी हम लोग क्या करते हैं इसे रन करके देखते हैं क्या कोई एरर है अगर एरर नहीं है तो हमें आउटपुट मिलेगा अगर कोई एरर है तो हम इसे फिक्स करने का कोशिश करेंगे और right. अब हम इसे रन करते हैं ओके okay. हमें एरर आ रहा है नेक्स्ट लाइन अच्छा अब देखिए कहाँ पे एरर है ऑनलाइन नंबर थर्टी टू थर्टी टू थर्टी टू ओके ये हम लोगों ने स्मॉल एंड लिखा था इसलिए एरर आ रहा था आप लोग एरर को देख के पहचानना सीखिए कहाँ पे एरर है फिर उसे फिक्स कीजिए फिर आप दोबारा रन करके देखिए अब देखते हैं अब कहीं नहीं होना चाहिए ओके okay. right. तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का रिमार्क आ गया है रिमार्क फर्स्ट स्टूडेंट का जिसका रोल नंबर वन था वो क्या है एक्सीलेंट

और मैं इसे एवरेज मार्क्स देता हूँ फर्स्ट क्लास कैटेगरी लाइक फाइव सेवेंटी एंड सिक्सटी सेवन अब अगर हमें रण, अब रन करते हैं तो देखिए हमारे पास चार स्टूडेंट आ गए हमें इनपुट को एन को भी चेंज करना होगा चार अब हम रन करते हैं तो अब हमें क्या मिलेगा चार स्टूडेंट के डिटेल मिलेंगे रोल नंबर वन रोल नंबर टू रोल नंबर थ्री रोल नंबर फोर आप देख सकते हैं रोल नंबर वन और रोल नंबर टू को क्या आया हुआ है एक्सीलेंट और रोल नंबर थ्री को टूअ और रोल नंबर फोर को आपको फर्स्ट क्लास तो आपने बहुत इजीली क्वेश्चन नंबर वन को कर दिया ठीक है ये ये ट्वेंटी का क्वेश्चन था ये नंबर का क्वेश्चन था सिर्फ सेक्शन ओके अब हम लोग क्या कर रहे हैं अब इसी को और आगे डील कर रहे हैं ये दूसरा क्वेश्चन है लेकिन मैं इसी में इंक्लूड कर दिया हूँ आपको प्रिंट करना है आपको प्रिंट करना है देखिए ये आपने कर दिया अब आपको बेसिकली ये क्वेश्चन क्या बता रहा है कि प्रिंट द 85 आपको सारे स्टूडेंट्स का रोल नंबर को को मार्क्स प्रिंट करना है जिनका मार्क्स 85 से कम है ठीक है तो यहाँ पे आप इसी में कंटिन्यू कर सकते हैं सेम लूप में आप कंटिन्यू कीजिए आपको दोबारा लूप चलाने की जरूरत नहीं है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं यहाँ देखिए ये लूप मेरा खत्म हो रहा है यहाँ पे एंड हो रहा है इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर स्टूडेंट अगर 85 के कैटेगरी में लाई कर रहे हैं यहाँ आपको बताया जा रहा है लेस देन 85 ये आपको बताया जा रहा है लेस देन 85 तो आप सबसे पहले यहाँ क्या हम लोग लिख देते हैं स्टूडेंट्स विद रॉल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हैविंग एवरेज मार्क्स लेस तो सबसे पहले हम लोग प्रिंट करते हैं कोर्ट में करना होगा डिटेल्स ऑफ डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट एवरेज मार्क्स लेस देन अब डायरेक्टली कर सकते हैं लेस देन एटी फाइव और ग्रेटर देन एटी फाइव इट इज ग्रेटर देन एटी फाइव ओके अब एव

उसके बीच में ही वो डिटेल आ जाएंगे अगर आप नहीं चाहते हैं ऐसा जैसे क्वेश्चन बताया जा रहा है कि ब्रेकआउट क्वेश्चन है मतलब कि सेक्शन ए आपका अलग है सेक्शन बी आपका अलग है सेक्शन सी अलग है तो आप इसके लिए बेटर है कि हम इसे न्यू लूप में क्रिएट करते हैं ये देखिए ये जो लूप था हम लोग का ये फॉर लूप ये यहाँ पे एंड हो रहा है ये फॉर लूप कहाँ पे एंड हो रहा है ये लाइन नंबर फिफ्टी वन पे एंड हो रहा है तो सिमिलरली अब हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन के लिए बी क्वेश्चन के लिए हम लोग फिर से लूप चलाते हैं आई एन टी आई इज इक्व टू जीरो आई लेस देन एन और फिर आई प्लस प्लस ऑल अब हम क्या करेंगे अब यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे कि इनका एवरेज मार्क्स लेस देन एटी है ठीक है तो सबसे पहला इस इसके पहले जाने से पहले हम लोग क्या कर देंगे एक आउटपुट डाल देंगे डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट है ये आपका अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पार्ट बी राइट अब देखिए यहां क्या करेंगे कंडीशन डालेंगे इफ इफ एवरेज मार्क्स ऑफ आई इज लेस देन लेस देन एटी फाइव

अब चलिए देखते हैं ये आपका क्या था पार्ट ये आपका था पार्ट बी ओके तो अब हम यहाँ रन करते हैं और देखते हैं कि हमें आउटपुट क्या मिल रहा है देखिए तो आपको आउटपुट मिल रहा है स्टूडेंट इट वन सो सिर्फ वन फर्स्ट स्टूडेंट का एवरेज जो मार्क्स था वो एबव एट्टी फाइव था अगर हम यहाँ इंक्लूसिव कर दें इंक्लूसिव कर दें इंक्लूसिव एट्टी फाइव तो वो हमें टू भी मिल जाए ठीक है दिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट ऑफ आई तो ये देखिए आपको ये आई बताया जा रहा है आपको रोल ऑफ आई करना है रोल ऑफ आई राइट रोल नंबर ऑफ आई क्योंकि आपको अगर आई प्रिंट करते हैं तो आपको बेसिकली इंडेक्स रिटर्न करेगा लेकिन आपको यहाँ पे क्या चाहिए था रॉल नंबर चाहिए था वो कहां पे स्टोर था रॉल ऑफ आई में ओके तो अब हम यहाँ क्या करते हैं रॉल ऑफ आई को प्रिंट करते हैं राइट ओके मैं बेसिकली इसे कॉपी कर देता हूं लेट्स सी Let's paste over here, okay. So, how many output will Problem number one. One is having uh inclusive 85 and above, okay. Uh, so one we are getting, and for two, also we should get. I think, uh, let me just copy this, okay, and now paste it, okay. So, we are also getting two. Uh, due to size issue, you are not able to see here. I have copied the output from here. Output is copied now. I'm pasting it here so you can see the output. What we are getting, we are getting two as well. Be because of that, we were getting excellent and excellent for roll number one and roll number two. Basically, we got the output like these are the two students whose average marks is ever verified if we include it. But the question was ever verified so it's better like you remove the equal sign. Okay. Now you run it. Now let's run it. So, uh, see. Okay. We got the output. Now, if I copy it here, copy the output. Now paste it. Only second student have greater than eighty five. That is, the first student has the average of eighty five. First student had the average of exactly eighty five. Uh, if we do the inclusive operation over here, then we'll get the student one also. If we'll do uh, ever 85, then we'll not get this detail of student one. All right. Hope you got it. The third question was the third question was you have to print the raw number of the student whose average marks is below 45. All right. So we can copy this logic similarly over here and also this part and paste it. Details of the student having average marks less than 45 this time so we can just change it over here less than 45 okay now what you have to do just change the logic over here less than 40 got it now let us print the detail it's running yeah i got it now let me copy the detail and paste it over here okay so you can see we got this was the first first part this was the output of the first part this is the output of the second part and this is the output of the third part that is the roll number 3 the student having roll number 3 has got less than 45 so you can see over here the detail of the student remark of student 3 student 3 remark was poor so hope you like this lecture? I uh, went into a complete descriptive part of this, so the lecture went very long. If you what are you going to do? You can watch it in two X. Okay, you can increase the speed and watch it. Uh, see, like I think I made it very clear. Like this is a very important question, very important for your exam point of view. So go through this lecture and basically, if you have any doubt, write down in the comment section and try to dry run on your own you'll get the idea before running into online compiler try to dry run on your own and see like you are getting the output desired output or not okay thank you let's meet in the next lecture